नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम योगी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आज फिर करेंगे दौरा, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। गोरखपुर महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहेंगे और आपको बताते चले कि सीएम कल भी दौरे पर थे और कई राहत सामग्री भी बांटी थी। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज फिर से दौरा है, बाढ़ पीड़ितों से आज फिर मुलाकात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर, इसके साथ ही गोरखपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद तीनों जिलों में पीड़ित से मुलाकात कर राहत किट बांटी थी। कल की जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम ने राहत किट बांटी। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर थे और इसके साथ ही आज भी बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर से संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर थे और आज भी दौरे पर हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं, और क्या जानकारी? जी देखिए, लगातार जो है यूपी में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है और गोरखपुर जिले में भी लगभग 7 जिले जो है, जिलों के आसपास जो है 700 जिले जो पूरे पानी से महरूम हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर बाढ़ की स्थिति की बात, जानकारी की बात किया जाए तो सीएम खुद अपने जो है हर क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां पे जाके राहत पैकेज की बात रहे, लोगों को शिविर लगा के राहत पैकेज बात रहे और उनकी जरूरतों को सामान दिया जाए। पशुओं तक के चारों को भी इंतजाम कराया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी तरह जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं ऐसा ना हो, उनको कोई पूछने और जांचने वाला ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर जगह मौके पर जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात कहा जाए तो बलरामपुर श्रावस्ती भी वो गए थे, हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने। अब कल 2 दिवसीय दौरे गोरखपुर दौरे पे हैं, जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद कह दिया बाबा राहत पैकेज की बातें लोगों से मिला, उनसी उनकी दिक्कतों को सुना, जानकारियों को सुना और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बाहर जो है बंधे किसी भी तरीके से रिसाव खा रहे हो या कहीं भी रैन कट हुए हैं उनकी मरम्मत तत्काल की जाए, ग्रामीणों तक जाकर सभी अधिकारी लोगों की बात सुने, नाव की व्यवस्था करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही उन्होंने कल भी दौरा किया था और इतना ही नहीं, राहत सामग्री भी बांटी थी। चलिए रुक लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब से बड़ी जानकारी आपको बता दें, पाकिस्तान सीमा पर फिर से दिखा है ड्रोन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, पाकिस्तान के सीमा के सटे अमृतसर और गुरदासपुर के नजदीक के रामदास इलाके में देर रात बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की हरकत देखी, जिसके बाद मौके पर मौजूद जवानों ने ही ड्रोन पर फायरिंग की और ड्रोन को मार गिराया। फिलहाल पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि क्या ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशे की खेप को पाकिस्तान की ओर से नहीं भेजी गई। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया है पाकिस्तान सीमा के पास। एक और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक से बड़ी खबर आपको रूबरू करवा दें, ईसी में गलत जानकारी देने पर ही बीजेपी विधायक को सजा और इसके साथ ही 2 महीने की हुई जेल। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक को चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाना भारी पड़ गया है। ईसी में गलत जानकारी की बात सामने आई है, जानकारी देने पर ही बीजेपी विधायक को जेल भेजा गया। बेंगलुरु में एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को ही विधायक उदय गुरुडाचार को ही 2 महीने की कैद की सजा सुनाई है और इस संबंध में ही एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद गुरुडाचार को ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाया गया है। सजा 2 साल से कम होने के कारण
अदालत ने उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने की अनुमति देते हुए जमानत दे दी। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें कि अमेरिका में सिख परिवारों के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आ गया है। हत्यारे ने नहीं कबूला है अपराध, ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। अमेरिका से खबर आ रही है जहां पर सिख परिवार का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि अमेरिका में सिख परिवार के ही 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारे ने अभी तक अपना अपराध कबूल नहीं किया है। अमेरिका में इस महीने की शुरुआत में ही 8 महीने की बच्ची समेत भारतीय मूल के ही सिख परिवार के अपहरण और हत्या के आरोपी ने गुरुवार को ही अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस सालगाड़ों ने ही 3 अक्टूबर को 8 महीने की आरोही फेरी, उसके माता पिता और एक रिश्तेदार को बंदूक का भय दिखाकर कथित तौर पर ही अपहरण कर लिया था, और इसके साथ ही प्राधिकारियों का भी आरोप है कि सालों पहले सिख परिवार की ट्रक कंपनी में काम करने वाले सालगाड़ों ने ही परिवार के अपहरण के 1 घंटे के भीतर ही उनकी हत्या कर दी थी, और उनके शव अपहरण के 2 दिन बाद ही एक दूरवर्ती इलाके में बरामद किया गया है। जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, अमेरिका में सिख परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।